विदेशी बाजारों में कमजोर रुख के बीच दिल्ली में गुरुवार को सोयाबीन तेल तिलन पामोलिन और सीपीओ तेल की कीमतों में गिरावट आई, जबकि जयपुर के सरसों के भाव 150 रुपये मजबूत होने से सरसों तेल तिलन में तेजी रही। मूंगफली और बिनौला सहित विभिन्न खाद्य तेल तिलन के भाव पूर्ववत बने रहे। जयपुर के हाजिर बाजार में सरसों का भाव बृहस्पतिवार को लगभग 150 रुपये मजबूत हो गया, जिससे इसके तेल तिलन के भाव में भी सुधार देखने को मिला। बाजार सूत्रों का कहना है कि सरसों की किल्लत बनी हुई है, जो आगे जाकर दीपावली के बाद और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी ओर मंडियों में सरसों की आवक लगातार कम हो रही है और आगे चलकर ये आवक घटकर 50 से 60 हजार बोरी रह जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि रोजाना की औसत मांग 3 से 3.5 लाख बोरी की है। व्यापारियों और मिलर्स के पास इसका कोई स्टॉक नहीं है और थोड़ा बहुत स्टॉक किसानों के पास ही रह गया है, जो कि अभी इसको बेचने के विचार में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हाल ही में बेमौसम बरसात ने किसानों को तबाही के कगार पर ला दिया है। हालात ये हैं कि जिन किसानों ने बुआई कर रखी थी, उन्हें दोबारा से इसकी बुआई करनी होगी, जिससे अगली फसल आने में एक महीने की और देरी हो सकती है। इस बीच सलोनी शमशाबाद में सरसों के दाम 9,350 रुपये क्विंटल पर पूर्ववत रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।